आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संकट के प्रभु सदा सहाई। आरती जय हनुमान लला की। देवी रा रघुनाथ पठाए, लंका जाई सिया सुधिलाए। देवी रा रघुनाथ पठाए, लंका जाई सिया सुधिलाए। लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। आरती की जय हनुमान लला की। लंका जार असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन संजीवन प्राण उबारे। आरती की जय हनुमान लला की। बैठी पाताल तोरी चमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। आरती की जय हनुमान लला की। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 कंचन थारी कपूर लो छाई। आरती करती अंजनी माई, आरती की जय हनुमान लला की। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस की नीर घुराई, तुलसीदास स्वामी आरती गाई। आरती की जय हनुमान लला की। बोलो बजरंग बली की जय। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। बजरंग बली का झंडा, बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा, बजरंग बली का। लहर
बजरंग बली का। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। जो मैं बोलूं वही करो तुम विष्णु।
कहने लग जाए दीवानगी में झूमे दानव, मस्ती में नाचन लग जाए एक हाथ को सिर पे धराए, राख तो भस्मासुर हो जाए तला जो संकट आए शंभु, श्री हरि का आभार जताए विष्णु जी से कहने लगे वो, हमें भी मोहिनी रूप दिखाए मोहिनी रूप में आए विष्णु, शिव शंकर मोहित हो जाए बिंदु तन से निकला उनके। उचित स्थान पे दियो पहुंचाए आज्ञा पाकर पवन देव तो, लेकर अंश को चलते जाए एक स्थान पे रुक गए वो तो, देखूं अंजना को हर्षाए पूजा में थी लीन अंजना, पवन देव गए निकट थे आए कान में उसके फूंक मार के, शिव के अंश को दिया पहुंचाए चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में, मंगलवार का दिन शुभ आए केसरी और अंजना के अंगना, बानर रूप में आए शिवाय आनंद का रह नहीं ठिकाना, राजा केसरी रहे हर्षाए बहुत बड़ा फिर हुआ था उत्सव, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे आए दान दक्षिणा खूब थी बाटी, सोना चांदी गए लुटाए बाल लीलाएं देख पुत्र की, बाल लीलाएं देख पुत्र की, मात पिता सुख आनंद पाए पांच वर्ष तो बीत गए थे, समय उड़ गया पंख लगाए प्रातः काल का समय था एक दिन, हनुमत को रही भूख सताए उगते सूरज को देखा तो, लाल लाल वो फूल था भाई सोचा फल को मैं ये खा लूं, आगे आगे बढ़ते जाए सूर्य देव के रथ पे बैठा, बालक तो खेलन लग जाए राहु ने जब देखा नजारा, राहु ने जब देखा नजारा गुस्से में वो तो भर जाए, मेरे होते कौन है ऐसा जो सूरज को ग्रहण लगाए, राहु पहुंचाए इंद्रलोक में जाके सारी बात बताए, ऐरावत पर चढ़ इंद्र आ गए, फेंका उसने वज्र घुमाए बालक के बाई हन टूटी, पर्वत पे वो गिर गया हाय पवन देव ने देखा ये सब, गुस्से में वो तो भर जाए पल में उठाया गोद में बालक, पल में उठाया गोद में बालक एक गुफा में लेकर जाए, ब्रह्मा जी भी पहुंचे वहां पर, बालक को था दिया जी आए, ब्रह्मा जी सब देवों से बोले, बालक ये साधारण ना इंद्र देव ने माफी मांगी, करनी पर वो रह पछताए टूटे बालक के हनु है, हनुमान अब ये कहलाए अपना तेज दिया सूरज ने, रूप कई अब ये धर जाए कुबेर वरुण और विश्वकर्मा से, कुबेर
पाया। पवन देव फूली न समाए, वरदान पाली कई वो सारे। हनुमत बलशाली हो जाए, उछल कूद वो मचाने लगे थे। मस्ती में रहने लग जाए, वन में रहने वाले ऋषि को। मस्ती में थी रहे वो सताए, भूल हो गई थी बड़ी बारी। मुनि तो क्रोध में रहे दिखाए, क्रोधित होकर एक मुनि ने शाप उन्हें तो दे दिया। हाय जिस शक्ति में हुआ मतवाला, शक्ति तेरी वो भूल ही जाए, याद कराएगा जब कोई। तुमको वो फिर याद आ जाए, अपनी शक्ति बोले तुरंत ही। फलित मुनि का शाप हो जाए, सूर्य देव से ज्ञान को पाकर। हनुमत जी घर लौट के आए, ध्यान लगा के सुनना भक्तों। आगे की रही कथा सुनाए, किष्किंधा पर्वत पर हनुमत। किष्किंधा पर्वत पर हनुमत सुग्रीव संग रहने लग जाए। राम लखन से भेंट हो गई, मैत्री सुग्रीव के संग कराए। श्री राम ने बाल को मारा, सुग्रीव का राजा दिया बनाए। बानर सेना निकली खोज में, सीता जी को ढूंढे जाए। लंका पति रावण ले गया है, दक्षिण की ओर बढ़ती जाए। सागर तट पर पहुंचे जब सब, समस्या एक बड़ी आ जाए। कौन है जो सागर को लांघे, कौन है जो सागर को लांघे। बल इतना यह कौन है पाए, जामवंत कहे हनुमत जाओ। तुम सा बलवान है कोई ना, हनुमत को बल याद आ गया। बानर सेना खुश हो जाए, बोले सागर में लांघूंगा। राम का नाम वो जपते जाए, लंका में प्रवेश कर लिया। संकट कोई रोक न पाए, लंका नगरी की जो देवी। घूसा मार के दिया गिराए, बोले तुमको मैं पहचानी। गुमसुम सीता बैठी हाय, राम का सेवक मैं हूँ मानो। चरणों में दिया शीश झुकाए, राम की दी हुई अंगूठी दिखाई। देख के माता अश्रु बहाए, श्री राम जल्दी आएंगे। सीता को रह धीर बंधाए, माता से लेकर आ गया फिर। हनुमत मीठे फल रह खाए, लंका का सारा बाग उजाड़ा। सही है अवसर हनुमत सोचे, लंका सारी दी थी जलाए। सीता जी का पता लगा के हनुमत वापिस गए थे आए। श्री राम को शीश झुका कर हाल सारा था दिया सुनाए। लंका नगरी जाने की फिर है तैयारी शुरू हो जाए। राम का नाम लिखा पत्थरों पर, सागर पर था सेतु बनाए। लंका नगरी पहुंची सेना, युद्ध का डंका दिया बजाए। शत्रु सेना को धूल चटाई, दानों कई थी
मूर्छित हो गए हाय। श्री राम की आंखों में आंसू, हनुमत प्यारे देख न पाए। सुशीन नाम के वैद्य को तब रातों ही रात में भोले आए। औषधि जो फिर वैद्य ने बताई, हनुमत लेने को उड़ जाए। द्रोणाचल पर्वत को उठाया, संजीवनी से प्राण बचाई। युद्ध के समय की एक थी घटना, युद्ध समय की एक है घटना। आपको रही है और सुनाए। खेमे में अहिरावण आया, राम लखन को लिया उठाए। नागलोक में पहुंचे हनुमत, अहिरावण को दिया गिराए। राम लखन को लेके सुरक्षित खेमे में था दिया पहुंचाए। खुश होकर के वानर सेना हनुमान की जय जय लगाए। रावण से युद्ध हुआ भयंकर, राम की सेना विजयी बनाए। लक्ष्मण सीता के संग भगवन, लक्ष्मण सीता के संग भगवन। पुष्पक में अयोध्या जाए। राज तिलक हुआ श्री राम का, जनता खुशियां रही मनाए। पूर्ण हो गए काज सकल सब, श्री राम रहे इच्छा जताए। लीला स्मरण का समय आया, देवलोक हम लौट न चाहे। हनुमत जी कहे हम भी चलेंगे, श्री राम कहीं ना ले जाए। धरा पे तुमको रहना होगा, दुखियों के तुम बनो सहाय। जग में कीर्ति रहे तुम्हारी, जग में कीर्ति रहे तुम्हारी। यश गान तेरा हर कोई गाए। राम दूत वो राम का सेवक, राम की आज्ञा रहा पुगाए। सबके संकट पल में काटे, वचन को अपनी राह निभाए। राम सिया का नाम जपे जो, बजरंग बाला खुश हो जाए। तन मन से ही हनुमत वीरा, गुणों को तेरे हम रहे गाए। दया की दृष्टि हम पे रखना, मन में रहे आस लगाए। दया की दृष्टि हम पे रखना। मंगल करे अमंगल हरते, मंगल करे अमंगल हरते, मंगल करे अमंगल हरते, मंगल करे अमंगल हरते। जो भी मंगल का व्रत करते पूजे मंगलवार। मंगल करे अमंगल हरते, हर देते भंडार। मंगल देव है बड़े दयालु, पुत्र कहते हैं वो। मंगलवार जो दिल से पूजे, सब खुशियां बरसाते हैं वो। धरती माँ के बने लाडले, शिव का अंश कहते हैं वो। मंगलवार जो पूजे बजरंग, उसके कष्ट मिटाते हैं वो। हनुमान जी सखा है उनके, जान न कोई सार। मंगल करे अमंगल हरते, हर देते भंडार। एक बार की कथा सुनाऊं, एक ब्राह्मण नगर में रहता। घर में नहीं संतान थी उसके, बिन संतान के दुखी वो रहता। जीवन बिन संतान अधूरा, अपनी पत्नी से वो कहता। औरों की संतान देख के जा, वैद्य तंत्र और मंत्र खूब किए उपचार। मंगल करे अमंगल हरते, हर देते भंडार।
दिन ब्राह्मण अपने घर से पहुँच गया परदेस में वो तो हनुमान के व्रत वो करती ब्राह्मण उधर है कर्म कमाए हनुमान जी की कृपा से धन की हुई भरमार मंगल करे अमंगल हरते वर देते भंडार एक दिन मंगलवार जो आया ब्राह्मण को व्रत की सुध लाई पर उस दिन घर में नहीं था कुछ ब्राह्मणी भोग बना नहीं पाई खुद तो भूखी रही ब्राह्मणी इष्ट को भोग लगा नहीं पाई मन में हुई फिर ग्लानी उसके कुछ भी कर ना पाई प्रण कर लिया उसने बड़ा भारी सुनते जाना सार मंगल करें अमंगल हरते वर देते भंडार सात दिनों तक भूखी रह गई आठवें दिन मंगल जब आया भूख से तन में हुई कमजोरी बिना खाए और बिना पिए कुछ एकदम फिर चक्कर सा आया हो गई वो बेहोश बेचारी ईश्वर की फिर माया भक्ति की देखी पराकाष्ठा हनुमान आए द्वार मंगल करे अमंगल हरते वर देते भंडार हनुमान जी प्रकट हो गए हाथ जोड़ चरणों में गिर गई चरणों की भक्ति करने को संकट मोचन संकट हरते जो जाए उनकी शरण को दे डाला वरदान पुत्र का की झोले भरने को सारे संकट दूर किए दी खुशियां परंपार मंगल करे अमंगल हरते वर देते भंडार गए अंतर ध्यान हनुमत ब्राह्मणी दिल में खुशी मनाए कुछ दिन बाद में पुत्र हुआ एक ब्राह्मण के घर मंगल गाए नाम पुत्र का मंगल रख दिया मैया पुत्र को लाड लड़ाई कुछ दिन बाद लौट के घर में परदेशों से ब्राह्मण आए घर में देखा छोटा बालक करने लगा विचार मंगल करे अमंगल हरते वर देते भंडार करते मंगल हरते अमंगल वर देते भंडार अपनी पत्नी से फिर पूछा कौन है ये बालक बतलाओ किसका पुत्र कहाँ से आया मुझको सारी खोल बताओ पत्नी बोली पुत्र आपका साजन दिल में घबराओ ब्राह्मण को तो शंका हो गई चरित्रहीन है मेरी पत्नी आए गलत विचार मंगल करे अमंगल हरते वर देते भंडार करते मंगल हरते अमंगल वर देते भंडार एक दिन बच्चे को संग लेकर एक कुएं में बच्चा गिरा दिया फिर चुपचाप हुआए पत्नी बोली कहाँ है मंगल पत्नी को ना कुछ भी बताए पत्नी भी जब जिद कर बैठी झूठ बोल कर दी समझाए रोने लगी पत्नी बेचारी दिल से करे पुकार मंगल करे अमंगल हरते वर देते भंडार ब्राह्मण ध्यान करे बजरंग का गई बजरंगी की माया कुछ ही देर के बाद में भक्तों मंगल हस्ता हुआ घर आया
पाकर बेटे को पत्नी ने खुश होकर के गले लगाया। देख के ब्राह्मण अचरज करता, कुछ भी समझ पाया। पत्नी गुण गाती हनुमत के, करे पुत्र को प्यार। मंगल करे अमंगल, हरते वर देते भंडार। रात को जब ब्राह्मण था सोया, सपने में बालाजी आए। बोले ब्राह्मण से बालाजी, नपुंसक पुत्र से क्यों दुराए। तेरी पत्नी है पतिव्रता, जिसको तू कुलहीन बताए। मेरी कृपा से ये है जन्मा, मंगल तेरा पुत्र कहाए। अपने पुत्र को अपना ले, तू मत कर सोच विचार। मंगल करे अमंगल, हरते वर देते भंडार। हरते मंगल, हरते अमंगल, वर देते भंडार। आँख खुली जब उस ब्राह्मण की, सारा सपना याद है आया। गलत सोच लिया था पत्नी को, अपने मन में वो पछताया। गोदी में लेकर बेटे को, ब्राह्मण ने फिर लाड लड़ाया। धन्यवाद किया फिर ईश्वर का, सौ सौ बार किए सजदे और भूला ना उपकार। मंगल करे अमंगल, हरते वर देते भंडार। अब तो दिन और रात ब्राह्मण मंगलवार का व्रत करता, वो हनुमान जी को भोग लगाए। सत्संग भजन कीर्तन करता, संतों की सेवा भी उठाए। ईश्वर ने भी उसके घर में धन धान्य भंडार भराए। चारों ओर इष्ट अपने का, दिल से करे दीदार। मंगल करे अमंगल, हरते वर देते भंडार। चारों ओर बढ़ गया था वैभव, सब संकट उसके मिट जाए। बालाजी की भक्ति करते, जीवन में ना कभी सताए। जो भी दिल से करे अर्चना, दोष पीड़ा मिट जाए। मंगल के दिन सवा मनी का, रात जोगना बढ़ता जाए। हो जाता कल्याण जगत में, होती जय जयकार। मंगल करे अमंगल, हरते वर देते भंडार। हरते मंगल, हरते अमंगल, वर देते भंडार। पावन और प्रख्यात मंदिर जिसे भक्तजन मेहंदीपुर बालाजी धाम के नाम से जानते हैं, भूत प्रेत आदि ऊपरी बाधाओं के निवारणार्थ यहाँ आने वालों का तांता लगा रहता है। भक्तों, तंत्र मंत्र आदि ऊपरी शक्तियों से ग्रसित व्यक्ति यहाँ पर बिना दवा और तंत्र मंत्र के स्वस्थ हो अपने घरों को लौटते हैं। बालाजी का मंदिर मेहंदीपुर नामक स्थान पर दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है, इसीलिए इन्हें घाटे वाले बाबा जी भी कहा जाता है। इस मंदिर में स्थित बजरंग बली की बाल स्वरूप की मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई भक्तों, बल्कि ये तो एक स्वयं भू मंदिर है। यह मूर्ति पहाड़ के अखंड भाग के रूप में मंदिर की पिछली दीवार पर स्थित है। इस मूर्ति को प्रधान मानते हुए बाकी मंदिर का निर्माण बाद में कराया गया था। इस मूर्ति के सीने के बाईं तरफ से एक अत्यंत सूक्ष्म छिद्र से पवित्र जल की धारा निरंतर बहती रहती है। भक्तों, यह जल बालाजी के चरणों तले स्थित होकर एक कुंड में एकत्रित होता है, जिसे भक्तजन चरणामृत के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। तो आइए भक्तों, मैं आज आपको संगीतमय रूप से पावन मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के दर्शन करवाता हूँ।
सावन गाथा मेहंदीपुर की सुनाऊं, पावन गाथा मेहंदीपुर की सुनाऊं। बजरंगी संग राम प्रभु की, ओ बजरंगी संग राम प्रभु की कृपा मैं दिलवाऊं, पावन गाथा मेहंदीपुर की सुनाऊं, पावन गाथा मेहंदीपुर की सुनाऊं। पावन पवित्र गाथा इस प्रकार से है भक्तों, जो आज मंदिर के महंत जी हैं उन्हीं के पूर्वज महंत जी को एक दिवस एक सपना आया भक्तों, जहां पर आज ये पावन मंदिर है वहां पहले घना घनघोर जंगल था, जहां मनुष्य आने से डरते थे भक्तों, दिन में ही यहां कोई ना आता था तो भला रात की तो बात ही क्या। परंतु महंत जी को एक दिवस सपना आया, सपने में क्या देखते हैं कि उस घनघोर जंगल में हजारों दीप जल रहे हैं, ना जाने कब सपने में ही चलते चलते महंत जी उस घनघोर जंगल के मध्य में दो पहाड़ियों के बीच पहुंच गए। क्या देखते हैं, हजारों दीप जल रहे हैं और एक बड़ी चतुरंगी सेना चलती हुई आ रही है, जिसमें हाथी हैं, घोड़े हैं, सैनिक हैं। सेना एक स्थान पर आकर रुक जाती है भक्तों और बालाजी की मूर्ति को वहां स्थापित करती है। सेना मूर्ति की प्रदक्षिणा कर वापस लौट जाती है कि तभी महंत जी की तंद्रा वापस आती है, स्वयं को घनघोर जंगल के मध्य पाते हैं तो मारे भय के दौड़ते हुए घर आते हैं और बड़ी मुश्किल से कुछ देर के लिए सो जाते हैं। अगले दिन क्या होता है आइए सुनाता हूँ। सेना सपने में दिखाई, दीप हजारों दिए जलाए, बालाजी की जय जय बुलाते और प्रदक्षिणा लाते जाते, सारे वापस जब हैं जाते भक्तों महंत जी डर जाते, वापस घर को लौट के आए थोड़ी देर को वो सो जाए, फिर से क्या वो सपना देखे, ओ फिर से क्या वो सपना देखे, भक्तों तुम्हें बताऊं, पावन गाथा मेहंदीपुर की सुनाऊं, पावन गाथा मेहंदीपुर की सुनाऊं। बड़ी मुश्किल से आंख लगी भक्तों के फिर एक सपना दिखाई दिया। इस बार सपने में तीन मूर्तियां दिखाई दी, बालाजी की, प्रेतराज सरकार की और भैरवनाथ जी की। उनको एक आकाशवाणी सुनाई दी, हे महंत जी आओ यहां पर आकर हमारी मूर्तियां निकालो और हमारा मंदिर स्थापित करवाओ तथा फिर मंदिर की तन मन धन से सेवा करो, तुम पर हमारी कृपा रहेगी। महंत जी की आंख खुली, अपने स्वप्न के विषय में सारे गांव वालों को बताया और गांव वाले महंत जी के साथ बड़ी हिम्मत करके उस निर्जल मन में उस स्थान पर आ गए भक्तों, और बालाजी के बताए अनुसार जब उस स्थान की खुदाई करी तब वहां से बालाजी की ये स्वयंभू मूर्ति प्रकट हो गई भक्तों।
जब दी तीन मूर्ति दिखाई, सपने में आवाज लगाई, भक्ता मेरी सेवा लाओ, मेरी भक्ति का फल पाओ, भक्तों मिल संग करी खुदाई, पावन मूर्ति दी थी दिखाई, छोटा मंदिर एक बनवाया, मूर्ति को स्थापित करवाया, आगे हुआ था क्या फिर भक्तों, आगे हुआ था क्या फिर भक्तों, आओ तुम्हें बताऊं पावन गाथा मेहंदीपुर की सुनाऊं, पावन गाथा मेहंदीपुर की सुनाऊं। धीरे धीरे घाटे वाले बालाजी की प्रसिद्धि सारे क्षेत्र में फैलने लगी। भक्त लोग यहाँ आकर बालाजी, भैरवनाथ जी और प्रेतराज सरकार के दर्शन कर कृतार्थ होते और उनकी कृपा को प्राप्त करते। भूत प्रेत से परेशान रोगी यहाँ आकर ठीक होने लगे। भक्तों यह देखकर क्षेत्र के ढोंगी पाखंडी परेशान होने लगे तथा उन्होंने मंदिर के विषय में अनाप शनाप बातें फैलानी प्रारंभ कर दी। जब महंत जी राजा के पास गए और मंदिर को और भव्य बनाने की प्रार्थना की तो राजा भी पाखंडियों की बातों में आकर मंदिर पर अविश्वास जाहिर कर बैठा और बालाजी के होने को ही नकारने लगा। इससे बालाजी रुष्ट हो गए भक्तों और तीनों मूर्तियां मंदिर से अंतर्ध्यान हो गई। जब यह बात राजा को ज्ञात हुई तो राजा नंगे पांव दौड़ा दौड़ा मंदिर में आया और नाक रगड़कर बालाजी के चरणों में जब क्षमा याचना की तब तीनों मूर्तियां वापस प्रकट हुई। राजा ने फिर बालाजी का भव्य मंदिर बनवाया जो आज के स्वरूप से मिलता जुलता है। तो आइए भक्तों आज इस पावन पवित्र मंदिर के दर्शन करते हैं। जब बालाजी प्रगटाए पाखंडी थे सब घबराए, बदनामी थे करने लागे, फिर लोग भी डरने लागे। राजा ने विश्वास न कीना, प्रभु अंतर ध्यान हो लीना। राजा ने फिर शीश नवाया, मंदिर पावन फिर बनवाया। मेहंदीपुर बाला के दर्शन, मेहंदीपुर बाला के दर्शन मैं भी करता जाऊं, पावन गाथा मेहंदीपुर के सुनाऊं, पावन गाथा मेहंदीपुर के सुनाऊं। तब से भक्तों दो पर्वतों के बीच में घाटे वाले मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भूत प्रेत की बाधाएं यहां आकर चंद क्षणों में दूर हो जाती हैं। भक्तों ने मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के सामने ही प्रभु श्री राम का मंदिर भी बनवाया है जहां पर प्रभु श्री राम अपने अनन्य भक्त मेहंदीपुर बालाजी सरकार के भक्तों पर भी कृपा लुटाते हैं। यहाँ पर आकर भक्त जन अपने मनों की मुराद पूरी करते हैं। बालाजी के दर्शन और श्री राम जी के दर्शन करने के पश्चात इस घनघोर कलयुग में पाप ताप संतापों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो आप भी यदि कलयुग के पाप ताप संताप मिटाना चाहते हैं भक्तों तो जीवन में एक बार घाटे वाले बालाजी के मंदिर में आकर इनकी पवित्र पावन मूर्ति के दर्शन अवश्य कीजिए। दोनों हाथ खोलकर
प्रेम और श्रद्धा से मेरे साथ बोलिए, बोले मेहंदीपुर बालाजी सरकार की, बोले श्री रामचंद्र जी महाराज की। बालाजी सब कष्ट मिटाए, प्रेत राज सब भूत भगाए, भैरो दर पे जो भी आए आपद विपदा दूर भगाए। मेहंदीपुर के मंदिर आओ, बालाजी का दर्शन पाओ, राम प्रभु की कृपा पाओ, भक्तों चंदन तिलक लगाओ, आरती और चालीसा गाए, आरती और चालीसा गाए, चंदन तिलक लगाऊं मेहंदीपुर की पावन गाथा सुनाऊं। पावन गाथा मेहंदीपुर की सुनाऊं। भक्तजनों, जैसा कि आप और हम सब ये बात जानते हैं कि श्री हनुमान जी जैसा प्रभु श्री राम जी का भक्त न तो इस सृष्टि में कभी हुआ है और न कभी होगा। प्रभु श्री राम जी ने भी श्री हनुमान जी को भरत के समान अपना भाई बताया है। परंतु क्या आप जानते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि भक्त और भगवान यानी श्री हनुमान जी और श्री राम जी एक दूसरे के समक्ष युद्ध लड़ने भी आ गए थे। जी हाँ भक्तों, सही सुना आपने, प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी आपस में युद्ध लड़ने एक दूसरे के समक्ष आ गए थे। ये वेदों में वर्णित कथा आज मैं आपको संगीतमय रूप में सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपको ज्ञात होगा कि भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता बहुत पावन होता है। तो एक बार फिर मेरे साथ बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान। कैसे युद्ध करन को आए, कैसे युद्ध करन को आए राम संग हनुमान। वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान। पावन कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों। एक बार सुमेरु पर्वत पर संतों की महासभा हो रही थी। कैवर्त देश का राजा सुकंत भी उस सभा में भाग लेने हेतु जा रहा था। तभी मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद ने दर्शन दिए। जब उनसे जाने का कारण पूछा तो सुकंत ने बताया, देवर्षि मैं संतों की सभा में भाग लेने जा रहा हूँ। तब देवर्षि नारद ने उन्हें समझाया, हे सुकंत, सभा में सभी संतों को प्रणाम करना, परंतु मुनि विश्वामित्र को प्रणाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जन्म से संत नहीं थे, पहले राजा थे बाद में संत बने हैं। ना जाने क्यों सुकंत ने उनकी बात को मान लिया और सभा में सभी संतों को प्रणाम किया, परंतु मुनि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। मुनि विश्वामित्र इस अपमान को सहन न कर सके भक्तों, और गुस्से में तम तमाते हुए अपने परम शिष्य प्रभु श्री राम जी के महलों में आ गए। जब प्रभु श्री राम ने क्रोध का कारण पूछा तो मुनि विश्वामित्र ने राम जी को ये बताया, तुम्हारे होते मेरा राम अपमान हुआ है, सुकंतिक राजा जिसने
मेरा अपमान किया है। सुकंत राजा जिसने मेरा अपमान किया है, मेरे अपमान का बदला तुम्हें ही लेना होगा। सुकंत का शीश काट के चरणों में रखना होगा। सुकंत का शीश काट के चरणों में रखना होगा। गुरु के मुख से बात सुनी तो, गुरु के मुख से बात सुनी तो राम हुए हैरान। वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान। गुरुदेव का ऐसा क्रोध और ऐसे कड़वे वचन सुनकर पहले तो प्रभु श्री राम बहुत हैरानी में आए, परंतु गुरु तो गुरु ही हैं, उनका आदेश भला वो कैसे टाल सकते थे। इसलिए गुरु जी के चरणों में झुककर शपथ खाई, हे गुरुवर, आपका अपमान करने वाला अब जीवित नहीं रहेगा। सूर्योदय से पहले पहले उसका शीश काटकर यदि आपके चरणों में न चढ़ा दूं तो स्वयं अपने हाथों से अपना शीश काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रभु श्री राम की ऐसे वचनों की चर्चा तीनों लोकों में देवानल की तरह फैल गई। तीनों लोग प्रभु श्री राम के इस प्रण से थर थर कांपने लगे और राजा सुकंत उसकी तो हालत मानो क्या कहने। जब से उसने सुना कि प्रभु श्री राम उसका शीश काटने के लिए उसे ढूंढ रहे हैं, मारे भय के तीनों लोकों में मारा मारा फिर रहा था। उस घड़ी को याद कर रहा था जब उन्होंने देवर्षि नारद की बात को मान लिया। देवर्षि नारद के पास पहुंचे, उनके चरणों में गिरकर पूछा, नारद जी, आप ही के कहने से मैं इस मुसीबत में आया हूं, अब आप ही मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालिए। श्री नारद जी भी जानते थे कि राम जी अपने वचन से फिरते नहीं हैं, सो उन्होंने सुकंत के प्राणों की रक्षा का ये उपाय बताया। अंजनी माँ की शरण में सुकंत जी तुम तो जाओ, प्राणों की रक्षा करने का वचन उनसे भरवाओ। प्राणों की रक्षा करने का वचन उनसे भरवाओ। अंजनी महल में आया, चरण में शीश नवाया, प्राणों की रक्षा हेतु वचन उनसे भरवाया। प्राणों की रक्षा है तो वचन उनसे भरवाया। जा तेरे प्राणों का रक्षण, जा तेरे प्राणों का रक्षण करे मेरा हनुमान। वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान। देवर्षि नारद के सुझाव पर सुकंत दौड़ा दौड़ा माँ अंजनी के महलों में पहुंचा। माँ अंजनी कुछ पूछ पाती इससे पहले चरणों में गिर गया और बोला, माँ मेरे प्राणों का रक्षण करने का वचन दीजिए। माँ अंजना द्वार पर आए भिक्षुक को कैसे लौटाती, सो बोली, जा ठीक है, मैं वचन देती हूँ, तेरे प्राणों का रक्षण मेरा पुत्र हनुमान स्वयं करेगा। उधर हनुमान जी, राम जी, भरत, लक्ष्मण सभी सुकंत को तीनों लोकों में ढूंढ रहे थे। हनुमान जी भी सुकंत को खोजते खोजते अपनी माता अंजना के महलों में पहुंचे। माँ ने अंदर आते ही अपने पुत्र को कहा, हे पुत्र हनुमान, अपने प्रभु श्री राम की सौगंध खा,
कि जो बात मैं तुझसे कह रही हूँ वो तुझे निभानी होगी। माता की आज्ञा भला हनुमान जी कैसे टालते भक्तों, सो बिना सोचे विचारे प्रभु राम की सौगंध खा ली। तब माँ ने अपने पीछे छुपे सुकंत को बाहर निकाला और बोला, तुझे इसके प्राणों की रक्षा करनी होगी। हनुमान जी को काटो तो खून नहीं, जिस प्रभु श्री राम ने सुकंत को मारने उन्हें भेजा था, माता अंजनी उसी के प्राणों के रक्षण का वचन हनुमान जी से ले चुकी थी। अब हनुमान जी बहुत दुविधा में थे, और उधर प्रभु श्री राम जी के गुप्तचरों को ज्ञात हो गया था कि सुकंत माता अंजनी के महलों में छुपा हुआ है। श्री राम जी अपनी चतुरंगी सेना लेकर अंजनी महल के बाहर आ गए, परंतु अपनी माता के वचनों का रक्षण करने हेतु श्री हनुमान जी भी सुकंत के प्राणों का रक्षण करने उसके सन्मुख ढाल बनकर खड़े हो गए। हनुमान जी ने कोई हथियार नहीं उठाया भक्तों, बल्कि पद्मासन लगाकर सुकंत को अपने पीछे छुपा लिया और प्रभु श्री राम के नाम का जोर जोर से जाप करने लग गए। सुकंत थे पीछे बिठाए, श्री हनुमत राम को ध्याए, राम जी बाण चलाए, लौट के वापस आए। राम जी बाण चलाए, लौट के वापस आए। राम से बड़ा तो भक्तों राम जी का नाम है, श्री हनुमत वंदन करते राम जी है रान है। श्री हनुमत वंदन करते राम जी है रान है। लक्ष्मण जी ने बाण था छोड़ा, लक्ष्मण जी ने बाण था छोड़ा, मूर्छित भय हनुमान। वेद की गाथा बड़ी महान, वेद की गाथा बड़ी महान। लक्ष्मण जी द्वारा छोड़ा गया बाण हनुमान जी के हृदय में जाकर लगा। हनुमान जी हे राम कहते हुए धरती पर मूर्छित होकर गिर गए। इधर हनुमान जी धरा पर गिरे तो उधर प्रभु श्री राम भी रथ से नीचे गिर गए भक्तों, और थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो गए। सभी हैरान परेशान थे, ये हुआ तो आखिर हुआ क्या। थोड़ी देर में प्रभु की तंद्रा वापस आई, बोले, हे लक्ष्मण, जिस मेरे भक्त के हृदय पर तूने बाण मारा है उसके हृदय में तो मेरा ही वास है, चोट उसके हृदय को नहीं मेरे हृदय को लगी है। अपने भक्त हनुमान को घायल देखकर प्रभु श्री राम दौड़कर हनुमान जी के पास आते हैं, उनका शीश अपनी गोद में लिटाते हैं और आंख बंद कर उनके शीश पर हाथ फेरते जाते हैं। परंतु भक्तों, हनुमान जी मूर्छित नहीं हुए थे, ये तो अपने भगवान को रिझाने की एक कला थी। जब श्री हनुमान जी ने देखा प्रभु श्री राम की आंखों में आंसू हैं, नेत्र बंद हैं और उनके शीश पर हाथ फिरा रहे हैं, चुपके से सुकंत को अपने पीछे से निकाला और उसका शीश प्रभु के सन्मुख कर दिया। प्रभु ने उसके शीश पर भी प्यार से हाथ फेर दिया। बस फिर क्या था, जय श्री राम का उद्घोष करते हुए हनुमान जी खड़े हो गए और बोले, हे भक्त वत्सल, आपने इसके शीश पर हाथ धर दिया है, अब भला आप इसे मारेंगे कैसे। राम जी भी धर्म संकट में फंसकर ये सोचने लगे भक्तों, ये मेरी शरण में आया इसे मारूंगा कैसे, गुरु के वचनों को मैं भला निभाऊं कैसे। गुरु के वचनों को मैं भला निभाऊं कैसे। उधर फिर विश्वामित्र जी युद्ध भूमि में आए,
संग में नारद भी आए, देवों को संग में लाए। संग में नारद भी आए, देवों को संग में लाए। सुकंत से नारद जी बोले, सुकंत से नारद जी बोले, गुरु को करो प्रणाम। वेदों की गाथा बड़े महान, वेदों की गाथा बड़े महान। इधर सुकंत प्रभु श्री राम के चरणों में पड़ा है, उधर प्रभु श्री राम दुविधा में है कि शरणागत की हत्या करें तो कैसे, कि तभी मुनि विश्वामित्र देवर्षि नारद और अन्य देवी देवताओं सहित युद्ध भूमि में आ जाते हैं। नारद जी सुकंत को आदेश देते हैं, अपनी भूल का सुधार करो सुकंत और गुरुदेव से क्षमा याचना करो। ये सुनते ही सुकंत गुरु विश्वामित्र के चरणों में पड़ जाते हैं और क्षमा याचना करते हैं। गुरु विश्वामित्र ने भी शरणागत की रक्षा करते हुए सुकंत जी को क्षमा का दान दिया। उधर हनुमान जी को प्रभु राम ने भूमि से उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। बोले हनुमान, तूने अपनी भक्ति से एक बार फिर मेरा हृदय जीत लिया। गुरु से प्रभु श्री राम ने क्षमा मांगी कि गुरुदेव, मैं आपके वचन का पालन नहीं कर सका। परंतु गुरु ने कहा, राम तुम्हें ग्लानि में आने की आवश्यकता नहीं, जब मैंने ही सुकंत को क्षमा दान दे दिया फिर आप इसकी हत्या कैसे कर सकते थे। चारों ओर हनुमान जी की भक्ति की जय जयकार होने लगी। गुरु विश्वामित्र और समस्त देवी देवता गण एक स्वर में गा रहे थे, राम भक्त कोई हुआ ना होगा तुम जैसा हनुमान, राम भक्त कोई हुआ ना होगा तुम जैसा हनुमान। तो बड़े प्रेम और श्रद्धा से आप सब मेरे साथ बोलिए भक्तों, बोलिए भक्त और भगवान की जय। राम के नाम को गाते, राम ही राम बुलाते, राम के चरण धूल से वो चंदन तिलक लगाते। राम के चरण धूल से वो चंदन तिलक लगाते, सीने को चीर दिखाते, प्रभु का दर्श कराते, महावीरारण धीरा राम चरणों को ध्याते। महावीरारण धीरा राम चरणों को ध्याते। राम भक्त कोई हुआ न होगा, राम भक्त कोई हुआ न होगा तुम जैसा हनुमान। वेदों की गाथा बड़े महान, वेदों की गाथा बड़े महान, वेदों की गाथा बड़े महान, वेदों की गाथा बड़े महान।